हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। अभी मैं बात करने वाला हूँ आइडियल कंपनी का टच 2C6 जो ईयरबड्स है उसके बारे में। तो इसका रिव्यू मैंने पहले ही बनाया हुआ है, लगभग 1.5 साल पहले मैं इसका रिव्यू बनाया हूँ, मेरा दूसरा चैनल पे है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप चाहेंगे तो जाके आप लिंक से चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को रिव्यू को देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये जो रिव्यू बना रहा हूँ, ये मेरा 1 साल यूज़ करने के बाद मेरा इस पे ऊपर एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मतलब ये कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, कुछ बिगड़ा है कि नहीं, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात देखिए, तो एक बार एक गिर गया था मेरे हाथ से एक केस, इसीलिए इसका जो ढक्कन है ऊपर वाला ये टूट गया था, यहाँ से टूट गया, तो उसके बाद इसको जोड़ नहीं पाए। तो फिलहाल कोई बात नहीं है, वो काम चल ही जाता है, उसमें कोई उतना बड़ा दिक्कत नहीं होता है। हाँ, इसका जो चार्जिंग मतलब इसका जो 5000 mAh का जो बैटरी दिया गया था, जो स्पेसिफिकेशन में लिखा था, बैटरी आज तक वैसे का वैसा ही है, थोड़ा सा भी बैटरी ड्रेन नहीं हो रहा है। मतलब बैटरी एक बार हम फुल चार्ज करते हैं तो आराम से लगभग 8-10 दिन चल जाता है मेरा यूज़ के हिसाब से। अब अगर आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो लगभग आपका तो 4-5 दिन चला ही जाएगा एक फुल चार्ज पे। तो पहले पहले जब मैं खरीदा था, तो ये मेरे को याद है अभी भी, पहला चार्ज जो मैं किया था उसके बाद इसका जो चार्ज चला गया था, ज़ीरो हो गया था 100 से, वो हुआ था 1 महीने बाद। तो उसके बाद इसका जो चार्ज सर्विस नॉर्मल हो गया, तो मुझे उस समय भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि शायद कुछ दिक्कत होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं था। तो और इसका जो साउंड ड्राइवर था बहुत ही अच्छा था, अभी भी मतलब बहुत अच्छा साउंड देता है, बहुत ही अच्छा देता है। तो फिलहाल अभी आप लोग इसको चाहेंगे तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से शायद बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अभी शायद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। जब मैं इसको ख़रीदा था तो 2-3 मॉडल था इसका, अभी शायद उस कंपनी इसको बनाना बंद कर दिया होगा, उसके पीछे का रीज़न तो हमको नहीं पता। लेकिन ये जो ईयरबड्स है अभी भी बहुत मस्त चलता है, मेरा तो बहुत मस्त चल रहा है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आज भी ऐसे को वैसा ही चलता है, साउंड तो इसका अच्छा है ही। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छा बैटरी सर्विस वाला ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप साउंड के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अगर साउंड का अच्छा चाहिए, तो आप डेफिनेटली बोट की तरफ जा सकते हैं। बोट से बेहतर ये नहीं होगा, बोट इससे बहुत बेहतर है साउंड के मामले में, लेकिन उसका वही बैटरी सर्विस उतना अच्छा नहीं है। और अगर आपको एक पूरा कम्पैक्ट एक चीज़ चाहिए, हर चीज़ का फैसिलिटी रहे, हर चीज़ का फीचर्स रहे, तो आपके लिए ये बेस्ट होगा, अगर आप साउंड को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो। अगर आपको साउंड के लिए स्पेशली लेना है, अगर आपको साउंड सिस्टम में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप ये आप बोट की तरफ जा सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू पूरा 1 साल बाद। अभी भी इसका जो टाइम है, टेम्परेचर, उसके बाद चार्ज परसेंटेज, डिस्प्ले, अभी तक ठीक है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं हुआ है, तो मेरा तो काम चल जाता है और कोई अभी तक दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या कमेंट है, आप कमेंट में बताइएगा। तो ये था रिव्यू, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।